डियर स्टूडेंट्स जब हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो बाज़ात इस तरह होता है कि हमारे पास कोई अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर अक्कर हो जाता है उसको हम लोग एक्सेप्शन कहते हैं और ऑल द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड बेस टू डील विद एक्सेप्शन थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग सो लेट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारे पास कुछ साइंटेक्स एरर्स होते हैं जो हमें जब हम लोग कोड कर रहे होते हैं तो उसी वक्त हमें पता चल जाते हैं आ, लेकिन कुछ हमारे पास एरर ऐसे होते हैं कि जिन जो हमारे पास रन टाइम पे एग्जीक्यूट होते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हर रन टाइम वो एग्जीक्यूट हो मे बी नाइन्टी नाइन परसेंट ऑफ द टाइम द लॉजिक इज़ वर्किंग फाइन और हमारे पास कोई एरर एग्जीक्यूट नहीं होता लेकिन आ, इट माइट हैपन के जस्ट वन परसेंट ऑफ द टाइम या इवन पॉइंट वन परसेंट ऑफ द टाइम कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड हमारे पास सिनेरियो हो गया कि जिससे हमारे पास एरर uh, जनरेट हो गया अगर हम लोग एक्सेप्शनस को हैंडल नहीं करते प्रॉपरली तो जो भी हमारे पास लॉजिक है इट कैन एब्रप्टली टर्मिनेट अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट हो सकती है वो तो उसे अवॉइड करने के लिए इट्स बेस्ट कि जहाँ पे भी हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कोई एक्सेप्शन जनरेट हो सकती है उसे हम लोग प्रॉपरली हैंडल कर लें ये हमारे पास कुछ एक्सेप्शन की एग्जाम्पल्स हैं लेट्स ये एक्सेप्शन हमारे पास कब जनरेट होती हैं और ये एक्सेप्शन हमारे पास बिल्ट इन एक्सेप्शन एंड दे आर ऑलरेडी डिफाइंड इन जावास्ट्रब हमारे पास एक एक्सेप्शन है टाइप एरर उसकी ऑल दो बहुत सी हमारे पास ऐसे सिनेरियोस हो सकते हैं जहाँ पे टाइप एरर की एक्सेप्शन जनरेट हो वी विल जस्ट हैव अ लुक एट वन एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं एक्स अब एक्स को हम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी असाइन नहीं की ना हमारे पास ये कोई ऑब्जेक्ट है सिंपल वेरिएबल है हम लोग उसकी एक अनडिफाइंड प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं ए हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी नहीं है जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेप्शन जनरेट होगी एक्सेप्शन थ्रो होगी और हमारे पास आपको एक रेड कलर का कौनसोल अगर आपने ओपन किया हुआ है तो वहाँ पे आपको रेड कलर से आपको नजर आएगा कि आपके पास एक एक्सेप्शन थ्रो हुई है एक और जो बहुत कॉमन हमारे पास एक्सेप्शन जनरेट होती है वो हमारे पास रेंज एरर की है जब आप आ, एक जो एक्सपेक्टेड रेंज है उसके अलावा आप कोई वैल्यू दे दें अगेन इसकी भी हमारे पास बहुत सी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हो सकती हैं उसमें से एक एग्जाम्पल ये है कि जब आप एक एरे डिक्लेयर करते हैं तो आपके पास आप, आप उसको साइज़ दे सकते हैं कि एरे का साइज़ क्या है द साइज ऑफ द एरे मस्ट बी अ पॉजिटिव इंटीजर अगर आप उसे कोई नेगेटिव वैल्यू दे देते हैं तो अब ये एक अनएक्सपेक्टेड रेंज है एक अनएक्सपेक्टेड वैल्यू है तो यहाँ पे आपके पास रेंज एरर जो है वो थ्रो हो जाएगा इसके अलावा हमारे पास एक और रेफरेंस एरर है रेफरेंस एरर हमारे पास कब जनरेट होगा लेट्स से हमारे पास एक फंक्शन है ये एक एग्जांपल है इसके अलावा और भी केसेस हैं जहाँ पे हमारे पास रेफरेंस एरर जनरेट हो सकता है हमारे पास एक फंक्शन है उसके अंदर हम लोगों ने एक लोकल वेरिएबल डिफ़ाइन किया हुआ है बाय के नाम से अब जब हम लोग इसको इस फंक्शन से बाय वेरिएबल को हम लोग इस फंक्शन से बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास रेफरेंस एरर जो है उसकी एक्सेप्शन हमारे पास जनरेट होगी एक्सेप्शन जनरेट होने को हम लोग ये भी कहते हैं कि एक्सेप्शन थ्रो होगी एक्सेप्शन को हैंडल करने का हमारे पास तरीक़ा क्या होता है कि देखें एक वो स्टेटमेंट होगी जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है आप क्या करेंगे कि जिस स्टेटमेंट पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई एक्सेप्शन थ्रो हो सकती है उसे आप ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे ट्राई ब्लॉक क्या है सिर्फ आप ट्राई का कीवर्ड यूज़ करेंगे और करली ब्रैकेट से आप उसका ब्लॉक डिफाइन कर देंगे अब यहाँ पर हम लोगों ने जिस तरह रेंज एरर की अगर हम लोग बात करें हम लोगों ने एक वेरिएबल एक डिफाइन किया ए और उसे न्यू एरे माइनस फाइव असाइन किया अब यहाँ पे विनो के एक एक्सेप्शन थ्रो होगी रेंज एरर की अब हम लोग इसे हैंडल किस तरह कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे कि ट्राई ब्लॉक के बाद एक कैच ब्लॉक डिफाइन करेंगे उसके e, e और उसके अंदर एक पैरामीटर लेंगे ई वेर ई इज़ एन एक्सेप्शन और यहाँ पे हम लोग करली ब्रैकेट्स के थ्रू अगेन इसका एक ब्लॉक डिफाइन कर देंगे ठीक है अब यहाँ पे अगर हम लोग कॉन्सोल डॉट लॉग ई करते हैं तो जो भी एक्सेप्शन जनरेट हुई है जिस तरह यहाँ पे रेंज एरर की एक्सेप्शन थ्रो हुई है तो वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कॉन्सोल कि एक रेंज एरर की एक्सेप्शन हमारे पास थ्रो हुई है आपके पास प्रैक्टिकल प्रोफेशनल लाइफ में आपके पास इस तरह हो सकता है आपको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कनेक्शन इस्टबलिश नहीं हुआ सर्वर के ऊपर कोई फाइल पड़ी हुई है उसे आप रीड करने की कोशिश कर रहे हैं फाइल तो एग्जिस्ट नहीं करती या उसके आपको रीड राइट्स नहीं मिल रहे या कोई और प्रॉब्लम हो गया डेटा बेस से रिलेटेड कुछ चेक आप काम कर रहे हैं अब वहाँ पर आपके पास कनेक्टिविटी का इशू हो सकता है आपके पास उसके अंदर और एक्सेप्शन थ्रो हो सकती हैं तो वो जोन जोन सी आपके पास स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास कोई एक्सेप्शन जनरेट होगी उसको आप ट्राई ब्लॉक में लिख देंगे और क्लैच कैच ब्लॉक में आप उसकी काइंड ऑफ रेमेडी लिख देंगे कि अच्छा अगर ये एक्सेप्शन थ्रो हो तो मैंने क्या करना है हम लोग ख़ुद से भी एक्सेप्शन थ्रो करवा सकते हैं अगर हमारे पास कोई ऐसा सिनेरियो है कि उसके अंदर हमारे पास बिल्ट इन कोई एक्सेप्शन एग्जिस्ट uh, नहीं करती जावा के अंदर तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग खुद uh, से एक एक्सेप्शन थ्रो कराते हैं लेट्स हम लोग यूज़र से एक एज ले रहे हैं फॉर्म के थ्रू हम लोगों ने यूजर की एज ली और एज जो है इट मस्ट बी बिटवीन लेट से ज़ीरो एंड वन फिफ्टी राइट तो अगर हमारे पास उसकी वैल्यू जीरो से कम है या वन फिफ्टी से बड़ी है तो वहाँ पर हम लोग ख़ुद से एक एक्सेप्शन थ्रो कराना चाहते हैं कि ये एक इनवैलिड एज है तो हम लोग क्या करेंगे ट्राई ब्लॉक के अंदर जहाँ पर हम लोग एज को चेक कर रहे हैं अगर एज की रेंज इनवैलिड है तो हम लोग यहाँ पे थ्रो और आगे जो भी हम लोग मैसेज लिखना चाहते हैं वो मैसेज हम लोग डिस्प्ले यहाँ पे लिख देंगे और फिर कैच के अंदर जब हम लोग इसको ई e को कैच करेंगे तो ई e के थ्रू हमारे पास ये मैसेज हमें मिल जाएगा कि हमारे पास जो एज वेरिएबल है उसके अंदर इनवैलिड वैल्यू है यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप इन्वर्टेड uh, कॉमास के अंदर कोई मैसेज लिखें अगर आप जावा की डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो आप ख़ुद अपनी जिस तरह हमारे पास रेंज एरर है रेफरेंस एरर है इस तरह से आप ख़ुद अपनी एक्सेप्शन की ऑबजेक्ट uh, से फ़ाइन कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट एक्सेप्शन जो है वो थ्रो कर सकते हैं अगर आपके पास कोई इस तरह का कोड है जहाँ पे आपके पास मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो हो सकती हैं एंड यू वॉन्ट टू हैंडल दम स्पेसिफिकली बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द एक्सेप्शन तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं जिस तरह यहाँ पे हमारे पास ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने एक एक्सेप्शन काइंड ऑफ एक्सेप्शन थ्रो होगी यहाँ पे हम लोगों ने जब पैरे को एक इनवैलिड वैल्यू दी नेगेटिव वैल्यू दी तो हमारे पास रेंज रेंजर की एक्सेप्शन थ्रो होगी अब हम लोग चेक करना चाहते हैं कैश ब्लॉक के अंदर ये जो एक्सेप्शन थ्रो हुई है किस किस्म की एक्सेप्शन थी तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ई इंस्टेंस ऑफ का कीवर्ड यूज़ करेंगे रेंज एरर तो अगर हमारे पास ये जो एक्सेप्शन है ये रेंज एरर टाइप की एक्सेप्शन है तो हम लोग ये काम करें इसी तरह यहाँ पर हम लोग या तो हम मल्टीपल एफ स्टमेंट्स यूज़ कर सकते हैं या इवन यहाँ पर हम लोग स्विच स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हैं કે કે જો હમારે પાસ જો હે વો ઈ કા જો ઇન્સ્ટન્સ ઓફ અ રેન્જ એરર હે તો હમ લોગ યે કરે અગર યે હમારે પાસ ટ્રાય પરર હે તો ફિર હમ લોગ ઇસે ઇસ તરીકે સે હેન્ડલ કરે અગર યે કોઈ ફાઈલ સે રિલેટેડ હમારે પાસ એરર હે તો હમ લોગ ઉસકો ઇસ તરીકે સે હેન્ડલ કરે તો યહાં પે ઇન્સ્ટન્સ ઓફ કે થ્રુ હમ લોગ સ્પેસિફિકલી વી કેન નો કે હમારે પાસ કિસ કિસમ કા એરર જનરેટ હુઆ હે ઓર ઇસકી જરૂરત કપ પડેગી જબ ટ્રાય બ્લોક કે અંદર આપકે પાસ યુ डू एक्सपेक्ट કે આપકે પાસ યહાં પે મલ્ટીપલ टाइप्स કી એક્સેપ્શન્સ થ્રો હો સકતી હૈ हमारे पास जब एक्सेप्शन हैंडलिंग हम लोग कर रहे होते हैं तो एट टाइम्स इस तरह होता है कि हम लोग जब एक्सेप्शन थ्रो हो गई ट्राई uh, ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया चाहे एक्सेप्शन थ्रो हुई या ना हुई अगर एक्सेप्शन थ्रो हुई तो हमारे पास कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा अगर हमारे पास एक्सेप्शन थ्रो ना हुई तो फिर भी लेट से हम लोग कोई इन एनी केस वी वॉन्ट टू परफॉर्म सम एक्शन राइट तो उसके लिए फिर हमारे पास फाइनली का ब्लॉक होता है हम लोग ट्राई यूज़ करते हैं लेट्स से हम लोग उसके अंदर डाटा से कनेक्ट करते हैं uh, अगर हमारे पास कनेक्शन के दर दरमियान कोई एक्सेप्शन आ जाती है तो हम लोग उसे हैंडल कर लेते हैं अगर कोई ट्रांजेक्शन हम लोगों ने इनिशिएट किया उसे हम लोग रोल बैक कर लेते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं कि फाइनली के अंदर हम लोग डेटा को से डिसक कर देते हैं तो अब चाहे हमारे पास एक्सट्राई के अंदर कोई एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो दैट मीन्स कि कैच का हमारे पास ब्लॉक एग्जीक्यूट हो या ना हो फ़ाइनली के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा एग्जीक्यूट होंगी ठीक है इसे आप मोस्टली कहाँ पे यूज़ करेंगे जब आपने ट्राई के अंदर कुछ रिसोर्स एलोकेट किए यूज़ किए और फिर आप ये चाहते हैं कि चाहे कोई एक्सेप्शन थ्रो हो या ना हो वो रिसोर्स फ्री कर दें आप तो फिर आप उन्हें फ़ाइनली के अंदर फ्री कर देंगे ऑफकोर्स देर कुड बी अदर यूज केसिज़ एज़ वेल जहाँ पे आप फ़ाइनली को चूज़ करें